हरि ओम, हरि ओम। हम लोग के जीवन की गलती होती है कि जो ईश्वर की शक्ति है उसका हम भोग करना चाहते हैं या ईश्वर को उसकी शक्ति से दूर कर देते हैं, ईश्वर को उसकी शक्ति से मन में दूर कर देते हैं। शक्ति को अपने साथ जो जोड़े उसका नाम अभिमान होता है। वन हु यूनाइट्स द पावर फ्रॉम द गॉड टू हिमसेल्फ इज कॉल्ड जीव। तीन लोगों ने सीता जी को राम जी से दूर किया। पहली के कई थी, उन्होंने राम जी को अकेले भेजा, वो तो सीता जी ने कहा हम साथ जाएंगे। दूसरे रावण और तीसरे अयोध्या के लोग। पहले ने दूर किया क्योंकि उनको उनके अंदर भेद बुद्धि थी भरत जी में और राम जी में। दूसरे ने दूर किया क्योंकि उनको राम केवल एक मनुष्य लगे और सीता जी एक सुंदर स्त्री मात्र थी। और तीसरे ने दूर किया अयोध्या के लोगों ने, उनको लगा सीता जी का चरित्र संदिग्ध है, इट इज डाउटफुल। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि तीनों में से सबसे खतरनाक तीसरे वाले थे। पहले वाले जो कई थी तो उसने सीता जी को दूर नहीं किया था बल्कि राम जी को भेजा था, सीता जी चले गए। रावण ने दूर करने का प्रयास किया लेकिन 10 महीने में सीता जी मिल गई। लेकिन जो अयोध्या वासियों ने किया उस सीता जी राम जी को कभी नहीं मिले उसके बाद। पूरे जीवन भगवान राम शाम के बाद शायद मिलते नहीं थे किसी से। मिलते नहीं थे। एक भेद बुद्धि थी, उसने कोशिश किया, मोह ने अलग देखा। हमें पता ना हो अलग बात है लेकिन संशय होना बहुत डेंजरस है। किसी को लेके हमें इग्नोरेंस है, टोटल इग्नोरेंस है, जैसे रावण को था। वो फिर भी पता था कि रावण रावण है लेकिन थोड़ा सा राम रावण हो और संशय हो, बात एक्सेप्ट ही ना करे पास रह के भी, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। आपको कोई नहीं एग्जिस्ट बोले, इस तरह के आदमी एग्जिस्ट नहीं करते, अरे कुछ नहीं है। हाँ, कोई मान ले बोले बहुत बड़े नहीं, छोटे मोटे होंगे कोई, ये ठीक है, लेकिन आपके चरित्र पे कोई बोले तो ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें हमारी छोटी सी बुद्धि बताती है कि तीसरे वाले लोग बहुत ही खतरनाक थे। तीसरे वाले लोग जो थे अयोध्या वाले, इन्होंने ज़्यादा अशांति दिया सब। अपने अंदर तीन वृत्तियां हैं, एक के कई की भेद बुद्धि है जो कि सोचती है कि उसके पास शक्ति रहेगी तो वो बड़ा हो जाएगा, हमारे पास रहेगी तो हम बड़े हो जाएंगे, इसलिए शक्तिमान को दूर करो। रावण है जो कि मोह है, वो सोचता है कि इस शक्ति में बहुत सुख है, इसको शक्तिमान से दूर, हमारी शक्ति हो, हम इससे खूब सुख लेंगे, शक्ति से सुख लेंगे, बस शक्तिमान नहीं चाहिए। लेकिन जो अयोध्या वासी हैं उन्होंने कहा शक्तिमान तो रहे लेकिन इसकी शक्ति अच्छी नहीं है। और इसीलिए गोस्वामी जी थोड़ा सा उन पे नाराज हो गए। सिय निंदक अघोग नसाए ऐसा बोल दिया। जीवन में आप ध्यान दीजिएगा,
हमें ऐसा लगता है अज्ञान का तो इलाज होता है, जिज्ञासा का इलाज होता है, शक का इलाज नहीं होता। किसी को कोई चीज़ नहीं पता है तो हम उसको बता देंगे, अगर वो मान लेता है कि नहीं पता है तो बहुत आसान है उसको समझाना, अगर उसको नहीं पता कि नहीं पता तब समझाना मुश्किल है। अज्ञान को हटा सकते हैं, हाँ भरत जी ने उसको ठीक किया। मोह को मार सकते हैं, ये राम जी ने ठीक किया, लेकिन अयोध्या वासियों को मार नहीं सकते। ये संदेह है, संदेह दूर होता है जिस पे संदेह है उसकी त्याग तपस्या अनन्यता देख, नहीं दूर होता आसानी से संदेह। कैसे प्रूफ करें, कैसे सिद्ध करें, यही प्रॉब्लम सती जी के साथ थी। देखो एक होती है जिज्ञासा, एक होती है संशय। जिज्ञासा में एक ऑनेस्ट क्वेश्चन होता है कि आई वॉन्ट दिस आंसर, आई होप यू हैव नोन इट एंड देयर मस्ट बी आंसर इन यू, ये जिज्ञासा है। संशय है आई डाउट, आई आस्क विद अ नेगेटिव नोशन इन माय माइंड। हम ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हैं उस इशू पे, फिर हम पूछ रहे हैं आपसे, आप कुछ भी करोगे हम नहीं नहीं बोलेंगे। इसलिए कभी भी जो भगवान को न माने आप बहुत उसको कन्विंस मत करिए, क्योंकि वो नहीं मानेगा। मूरख हृदय न चे जो गुरु मिलही बिरंची सब, फूलई फलई न बेद जो सुधा बरसई मेघ। यहाँ पे बेद का ट्री है, बेद नहीं देखा, बैम्बू, बैम्बू है ना यहाँ पे, इसमें हाँ इस पर अगर सुधा भी बरस जाए तो ये फले फूलेगा नहीं। उस तरह से जो मूर्ख है संशय उसका नहीं जाएगा, लेकिन भगवान राम ने और जानकी जी ने उसको भी हटाने का तरीका सीख लिया। दोनों ने बहुत बड़े त्याग किए। सबसे अधिक आसक्ति पुरुष की अपनी पत्नी से होती है, पत्नी की पुरुष से होती है, पति से होती है, उसी के बल पे पत्नी प्रसन्न रहती है, लेकिन उन्होंने उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा के। लेकिन सीता जी, हमने बोला था आफ्टरनून वाली क्लास में, उन्होंने समर्पण से अपने दिखा दिया, बिना बोले दिखा दिया। अभी तो और आएंगे, अभी कल आ जाएंगे, लेकिन इसका एक तरीका निकाला। फिर जो काम कोई और नहीं कर पाया उस काम को किया हमारे वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी का कंट्रीब्यूशन, वाल्मीकि रामायण तो है ही है, पहली कविता है ही है, लेकिन इसीलिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण सीता जी के चरित्र को उभारने के लिए किया, और उन्होंने इस बात को यहां पे रखा, और इसीलिए लव कुश को भेजा इसको गाने के लिए। कहां सारे राम जी के पास ही नहीं, अयोध्या वासियों के पास भेजा, क्योंकि उनको सुनने की जरूरत थी। आप याद रखो उनके पास कोई क्लियर कट न्यूज़ नहीं है, हीजी पिक्चर है कि सीता जी 10 महीने 12 महीने लंका में रही, बस हनुमान जी आए, क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या एक्सचेंज हुआ, ये सब कोई जानकारी डिटेल में नहीं थी उनको। नेचुरली मन कमज़ोर था, मतलब गलती क्या हुई, उन्होंने सीता को जगदम्बा नहीं समझा। और हमें अगर जगदम्बा नहीं समझा तो राम जी को भी भगवान नहीं समझा। भगवान का विवाह अनंत शक्ति से ही होता है, जीव से नहीं होता भगवान का। इन दोनों के संशय को दूर करने के लिए भगवान राम भगवान है, सीता जी माँ है जगत की, और इसलिए वो शुद्धा है, पवित्रा है, उनकी अनन्य भक्ति है। इस बात को बोलने के लिए वाल्मीकि रामायण को उन्होंने वहां के लोगों को सुनाया।
अगर वाल्मीकि रामायण नहीं होता तो शायद जो कन्वर्सेशन हनुमान जी और सीता जी के बीच में हुआ है, और लोग बोलते हैं ये सब, अगर यही रामायण है तो लव कुश सब पहले ही लिख दिया था, कि लव कुश इज अ पार्ट ऑफ रामायण, ऐसा नहीं कि लव कुश आए फिर ही सब, ये सब पहले ही लिख के बस डायरेक्शन हो गया था उसका। अब ये जो बात है ये बताया गया, इसमें उन लोग को सुनाया गया, और फिर सीता जी की जो शुद्धता है, उनकी अनंतता है, उसको उन्होंने श्रवण के माध्यम से सबका मन ठीक करवाया। जिस पे हमें डाउट हो, अगर वो त्यागी निकल आए बहुत बड़ा और वो अपना सब कुछ खो दे, छोड़ दे, तो आदमी का संशय चला जाता है। एक यही तरीका होता है, और इस संशय को इस तरह से दो लोगों ने, जानकी जी ने और राम जी ने, अपना सब कुछ छोड़ के अनंत काल के लिए लोगों के मन में एक छाप छोड़ दी कि त्याग क्या होता है, समर्पण क्या होता है। ठीक है, अब तो बस हमें लगा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसको कल देखेंगे, कल तो अंतिम है, हाँ तो पूरा हो जाएगी वाल्मीकि रामायण, ऐसी हमारी आशा है। अब चलो भाई, प्रमोदिनी को बुलाओ, प्रमोदिनी जी को बुलाया जाए। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम मम्मा। वेल, यहाँ पे नादबिंदु गुरुकुल, जो चिन्मय विश्वविद्यापीठ का एक ऑफ कैंपस है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आई हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू स्वामी जी, आपने हमको ये सेवा का मौका दिया। एंड यस, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा मेरा। सो हमारे यहाँ चिन्मय विश्वविद्यापीठ तो हर कोई जानते हैं, सबको लगता है चिन्मय विश्वविद्यापीठ सिर्फ कोची में ही है, तो एक रिफ्रेशिंग इन्फॉर्मेशन, चिन्मय विश्वविद्यापीठ के दो कैंपस हैं, एक कोची में और एक पुणे में। यहाँ चिन्मय नादबिंदु गुरुकुल, यहाँ पे क्या, कोची में तो काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, MA, BA एंड ऑल ऑफ दैट, कंटेम्प्रेरी कोर्सेज एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम रिलेटेड कोर्सेज। यहाँ पे चिन्मय नादबिंदु गुरुकुल में म्यूज़िक रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जो कि है MA इन म्यूज़िक, विच इज़ तबला, बाँसुरी और हिंदुस्तानी गायन। ये 2 साल का कोर्स है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में यहाँ पे रह के बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा और एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक वर्कशॉप्स होते हैं, मास्टर क्लासेस होते हैं एक्सपर्ट्स के, ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। हमारे यहाँ हम ओला सेशंस करते हैं, ओपन लर्निंग फॉर ऑल, जिसमें बहुत सारे चैंटिंग लेसन्स होते हैं, और थीमेटिक, जैसे रामनवमी आ गया तो रामनवमी स्पेशल, राम जी के भजन्स के एक छोटा सा ऑनलाइन सेशन हो गया, तो वो करते रहते हैं। सो दैट इज़ अ फ्री फॉर ऑल सेशन, जिसके एंड पे लोगों को हम अपील करते हैं, और वो डोनेशन से आगे के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ चिन्मय विभूति में हमारा एक फ्लैगशिप महोत्सव होता है, विच इज़ नादबिंदु महोत्सव, जो कि फेब्रुवरी के सेकेंड वीकेंड में होता है। अभी 2025 के डेट्स हैं हमारे 7th to 9th February, जहाँ तक कि ये चैंटिंग सेशंस और भजन वर्कशॉप्स हैं, यहाँ से काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो ऑलरेडी हमारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं और चाहते हैं कि और भी लोग उसमें जुड़ें। एंड हमारा नादबिंदु फेस्टिवल जो होता है, अभी तो 14वां फेस्टिवल होगा कमिंग ईयर इन 2025, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, 500 लोगों के करीब कैंपस में रहते हैं, आर्टिस्ट भी यहीं रहते हैं, और हम जो भी इवेंट करते हैं, हमारी छोटी सी टीम है, और जो भी इवेंट करते हैं उसमें जो भी फंड रेज करते हैं, थ्रू स्पॉन्सरशिप्स हो या एडवर्टीजमेंट हो या डोनेशंस, मेजर तो हमारा डोनेशंस ही होता है, उससे हम हमारा CSR प्रोजेक्ट चलाते हैं। CSR लोग कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं चिन्मय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे पास जो संगीत है, हम वो संगीत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बच्चों को या फिर रूरल बच्चों को हम सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन शुरू करने का प्लान है,
वैसे लातूर में एक जगह पे ऑफलाइन शुरू हो गया है. सो हमारे जो अलुमनाई स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो कहीं से भी ये क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं. हमारे पास एक स्पॉन्सरशिप भी आया था एक जापानीज़ कंपनी का, तो दे सपोर्टेड अस और हमने हमारे सारे क्लासरूम्स में वो फैसिलिटी कर दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रीच आउट कर सकें. तो फ़िलहाल तो हम स्टेट्स कवर कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऑफ कोर्स एंड बिहार. ये स्टेट्स हम कवर कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को हम सिखाते हैं. और अभी तो आई थिंक द कमिंग मंथ हम लोग तमिलनाडु में कुछ स्कूल्स में हम लैपटॉप वगैरह भी देने वाले हैं, क्योंकि स्कूल्स में उतनी यू नो दे डोंट हैव दैट एक्सेसरीज कि बच्चों को यू नो अच्छा सा कैमरा हो कि सब दिखे, साउंड अच्छे से जाए, सो ब्लूटूथ स्पीकर्स बोलो या फिर इवन लैपटॉप्स. टीचर्स अपने फ़ोन से ज्वाइन कराते हैं. सो वी प्लानिंग टू डू ऑल ऑफ दैट एंड रीच आउट टू मोर स्कूल्स, मे बी इन उत्तराखंड एंड इवन मोर प्लेसेस. सो जो भी हम फंड रेज करते हैं वो पूरा इसमें पंप इन हो जाता है. एंड यस, दैट इज़ अबाउट द एक्टिविटीज़. अगर आप लोग नादबिंदु गुरुकुल का जो छोटा सा कैंपस है विद इन चिन्मय विभूति, आप अगर देखना चाहते हो हमारे क्लास रूम्स एंड एवरीथिंग, तो कल सुबह आप यहाँ पे इन्फो डेस्क के 9:30 को आइएगा आफ्टर ब्रेकफेस्ट. आई विल बी हियर एंड आई विल टेक यू टू दी क्लास रूम्स एंड यू कैन सी द प्लेस एंड यू कैन ऑल्सो रजिस्टर विद अस. आप रजिस्टर करिएगा तो हमारे जो भी इवेंट्स हैं उसके इंटीमेशन आपको मिलते जाएंगे आगे से. थैंक यू वेरी मच. हरिओम. आए हैं लंका से, पहले ही आए थे लेकिन हम आपको आज उनको लेकर आते हैं. देखो देखो रे, देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे आए रे भगवान, श्री राम सीता राम, श्री राम सीता राम, देखो देखो रे आए रे भगवान, देखो देखो रे देखो देखो रे, देखो देखो रे,
रामचंद्र की जय। अब आए तो कहाँ आए, हमारे घर आए। तबला थोड़ा कम रहा, बहुत ज्यादा है। आज मेरे घर आए राम जी, घर आए राम जी, घर आए राम जी, घर आए राम जी। संग में सीता, संग में सीता लक्ष्मण भ्राता, संग में सीता लक्ष्मण भ्राता और हनुमान जी। घर आए राम जी, घर आए राम जी। जन्म जन्म की मेरी आस आज पूरी हुई, व्याकुल मन की देना मुझको सदा ही, मैं ना भूलूं आपको। आशीष देना मुझको सदा ही, मैं ना भूलूं आपको जी। घर आए राम जी, घर आए राम जी। संग में सीता लक्ष्मण भ्राता और हनुमान जी, संग में सीता लक्ष्मण भ्राता और हनुमान जी। घर आए राम जी, घर आए राम जी, राम जी, राम जी। सियावर रामचंद्र की जय। सो उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रव दीन पर, बिन सेवा जो द्रव दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। Thank you.
जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिरिध सबरी कह, सो गति देत गिरिध सबरी कह, प्रभु न कह प्रभु न प्रभु न बहुत जिय जानी दस शीस अरपी करी रावण शिव पहलीनी, जो संपत्ति दस शीस अरपी करी रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण का कुछ सहित हरि ऐसो कोदार जग माही, ऐसो कोदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाह सी मन मेरो, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाह सी मन मेरो, तो भजो राम काम सब करे कृपा निधि तेरो, ऐसो उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस जग माही। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, 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 राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम, राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम, राम 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 राम।
राम 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 का नाम बड़ा है यारो राम 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 का नाम बड़ा है यारो राम जी से राम की महिमा गाओ यारो भक्ति से राम का नाम बड़ा है यारो राम जी से राम की महिमा गाओ यारो भक्ति से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय सफल अब कर लो यारो राम नाम से प्रेम हृदय में भर लो यारो राम नाम से जन्म सफल अब कर लो यारो राम नाम से जीवन धन्य बना लो यारो राम नाम से खुद राम बनना सीखो यारो राम नाम से राम का नाम शबरी का उद्धार हुआ तो राम नाम से केवट की नैया पार हुई तो राम नाम से विभीषण शरणागति की महिमा है राम नाम से हनुमंत अभी जीवंत है यारो राम नाम से विभीषण शरणागति की महिमा है I'm not
आखिरी एक पला ये गुरुजी का ही लिखा हुआ है और उनका ही स्वरबद्ध बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। नील सरोरुह नीलमणि नील निरधर्षां सुंदर कोमल कांतिमय आनंदमय श्रीराम नील सरोरुह नील निरधर श्याम सुंदर कोमल कांतिमय आनंदमय श्रीराम क्षमावान पृथ्वी क्षमावान पृथ्वी सम है प्रभु धैर्य में सम हिमवान सागर सम है अतीव गंभीर सागर सम है अतीव गंभीर रूपशील गुणधाम I
आनंदमय श्री Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Oh Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो सब 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 संतन की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।